सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, मैं चाहूँगी कि आज के एपिसोड में आप हमारे दर्शकों के एक बहुत आम सवाल का जवाब दें। लोगों को दांत के गैप से जुड़ी बहुत सी शिकायतें होती हैं कि ये क्यों हो जाते हैं, इलाज सही तरीके से कैसे किया जाए, तो आज आप ही बताएं। नमस्कार, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि दांतों में गैप होता क्यों है। दांतों में गैप का कई सारा कारण है। एक तो क्या होता है कि नेचुरली ही हमारे टूथ में गैप होता है, जिसे जो बच्चे डेवलप होते हैं इसको हम लोग टूथ बोन डिस्क्रिपेंसी बोलते हैं। जैसे बोन से अगर टूथ का विड्थ कम है तो वहाँ स्पेस ज़्यादा होगा, क्योंकि स्पेस ज़्यादा होगा तो हम लोग उसका फिर अलग तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, जैसे ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट होता है, पिन लगाना। पिन लगाने में भी आजकल कई तरह का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जैसे पहले तो हम लोग एक रिमूवेबल पिन लगाते थे, रिमूवेबल के अलावा कैसे है कि अब फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट है जो हमारे क्लिनिक में अवेलेबल है, हम लोग फिक्स ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं। इसमें मेटल ब्रैकेट, सिरेमिक ब्रैकेट और लिंगुअल ब्रैकेट तीनों इस्तेमाल होता है। और अभी एक नया चीज़ आया है जिसको हम लोग बोलते हैं एलाइनर। एलाइनर में कोई तरह का ब्रैकेट लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कई सारा प्रोग्राम्ड एक इंस्ट्रूमेंट आता है, मटेरियल आता है, जो पेशेंट को सिर्फ दांतों में लगाना होता है और उससे उनको टूथ का पोजिशन चेंज होता है और वो गैप ख़त्म होता है। तो एक तो मैंने कहा कि ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम, इसके अलावा जैसे स्पेसिंग हो गया, इसके अलावा क्या होता है, एक हम लोग बोलते हैं मिड लाइन डायस्टेमा। आप देखते हुए काफ़ी पेशेंट में आगे के दो दांतों में गैप होता है। तो जब आगे के दो दांतों में गैप है, जिसको हम लोग मिड लाइन डायस्टेमा बोलते हैं, मीन्स जो मिड लाइन है उसमें स्पेस हो जाना, तो ऐसे पेशेंट को भी हम लोग ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करते हैं एंड इटियोलॉजी ढूंढते हैं। जैसे अगर नीचे का टूथ डीप बाइट है, टकरा रहा है ऊपर के दांत से, उसमें अगर होता है तो पूरा उसका ट्रीटमेंट करते हैं। कई सारे केस में हाई फ्रेनल अटैचमेंट बोलते हैं, जैसे अपना लिप जो है वो एक फ्रेनम से अटैच रहता है, तो फ्रेनम अगर हाई रहता है तो लिप पुल के कारण भी स्पेस क्रिएट हो जाता है, तो उसको हम लोग पेरोडोंटल सर्जरी से लिप पुल हटाते हैं एंड तब उसको क्लोज करते हैं। इसके अलावा कई सारे केसेस में हमें क्राउन लगा के भी कंप्लीट करना पड़ता है। जैसे कोई अर्ली है, मैरिज का केस है और वो बोलते हैं कि मुझे 2 महीने में ट्रीटमेंट चाहिए, या भैया मेरा 15 दिन के बाद शादी है, तो ऐसे केसेस में हम लोग दोनों दांत पर कैप लगा देते हैं जो थोड़ा साइज में बड़ा होता है और स्पेस को कवर कर लेता है। इसके अलावा एक तो आपको मैंने बोला कि स्पेस अपने आप बना हुआ है, एक हुआ कि हाई फ्रेनल पुल के कारण डायस्टेमा डेवलप हुआ, तीसरा रीजन होता है कि कई सारा टाइम में जब गंदगी जमा होता है, कैलकुलस जिसको हम लोग बोलते हैं, हार्ड कैल्सिफाइड मटेरियल जब दांतों के बीच में जमा होता है तो उसके प्रेशर से भी टूथ स्पेस बना देता है, जिसको पैथोलॉजिकल माइग्रेशन बोला जाता है। तो ऐसे केसेस में भी हमें ज़रूरत है कि हम उस गंदगी को पहले हटाएँ, फिर मसूरे का ट्रीटमेंट दें और तब उसको ऑर्थोडोंटिक मूवमेंट से क्लोज करें। तो इस तरह से कई सारा कारण होता है और उस कारण को रिमूव करने के लिए कई सारे हम लोग ट्रीटमेंट ऑप्शंस पेशेंट को देते हैं और उससे पेशेंट कम्प्लीटली ठीक हो जाता है। डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि दांतों के बीच में गंदगी जमने की वजह से भी ये गैप्स आते हैं, तो ये गंदगी जो आ रही है दांतों के बीच में, जो इस तरीके से दांतों के बीच में गैप्स आ रही है, उसके पीछे क्या कुछ कारण है? देखिए, कुछ लोगों का स्लाइवा थिक होता है, लार थिक होता है, कुछ लोग सुबह शाम ब्रश नहीं करते हैं और कभी कभी जब थोड़ा जमा होता है ना तो लोग और डर के उससे ब्रश करना बंद कर देते हैं, कोई दातुन से कोई उंगली से साफ करना शुरू कर देते हैं। तो जब एक बार हार्ड कैल्सिफिकेशन हो गया है तो उसको मैकेनिकली कोई भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर उसको रिमूव करके जिंजाइवा का ट्रीटमेंट देगा, तभी वह आपका ठीक होगा, अदरवाइज आप उससे डरते जाएंगे, वो आप पर बढ़ते जाएगा। जैसे हमने ब्रश करना छोड़ दिया और गंदगी बढ़ने लगा, मसूरे से खून आया हमने और ध्यान देना अपने को डाइवर्ट कर लिया कि नहीं, अब उंगली से करेंगे, दातुन से करेंगे, तो उससे और बढ़ते जाता है। तो हमें इसका ध्यान रखना है कि जिस कारण से वो हो रहा है वो कारण को रिमूव करें और कभी भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलके, डेंटिस्ट से मिलके उसका ट्रीटमेंट कराएं, न कि उसके डर से अपने नॉर्मल रूटीन लाइफ को चेंज करें।